एक सुखद घर और परिवार के लिए मनुष्य के जीवन में बहुत सी चीजें भूमिका निभाती है। इसमें घर परिवार से जुड़े लोग और उनसे जुड़े काम काफी महत्व रखते हैं। उसी का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां बुद्धि से युक्त हो, जिसकी पत्नी मृद भाणिनी हो यानी मधुर बोलने वाली हो, जिसके पास परिश्रम हो, ईमानदारी से किया हुआ धन हो, अच्छे मित्र हो, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग को रखने वाला हो, नौकर चाकर का आज्ञा का पालन करने वाले हो या फिर नौकर चाकर आज्ञा का पालन करने वाले हो, जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान होता है, कल्याणकारी परमेश्वर की उपासना होती हो, घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था होती हो, सदा सदा सज्जन पुरुषों का संग अथवा संगति करने का अवसर मिलता हो, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है, प्रशंसा के योग्य है। इन बातों से हमें गृहस्थ जीवन का स्वरूप और रूप कैसा होना चाहिए इसके बारे में पता चला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके पास में उपस्थित बेल आइकन को भी दबा दें। आपका अपना हेमराज सिंह राजपूत।